एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गर्मियों के सीज़न में गर्मी बढ़ने के साथ साथ देखा जाता है कि लोगों में लू लगने की शिकायत या फिर गर्मी के सीज़न में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे काफ़ी लोगों को हेडेक होता है। ये हेडेक मेनली हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक के कारण होता है। थोड़े से भी धूप में बाहर निकलें तो देखा जाता है कि काफ़ी लोगों में सर दर्द की शिकायत काफ़ी बढ़ जाती है, काफ़ी आसानी से सर दर्द हो जाता है धूप के कारण। तो आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिंस और उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में जो कि हीट स्ट्रोक सन स्ट्रोक से बचाकर और जो समर हेडेक है उसकी कंप्लेन से आपको बचाएगी और ये होम्योपैथिक प्रिवेंटिव के रूप में भी काम करेगी। दोस्तों, गर्मियों के हेडेक यानी कि धूप से हेडेक हो जाने की हमारी फर्स्ट मेडिसिन है वो मेडिसिन है नेट्रोम्यूट। नेट्रोम्यूट 30 मेनली समर कंप्लेंस के हेडेक बहुत अच्छी दवा है। इसका हेडेक का मोस्ट कॉमन कारण ये है कि हेडेक धूप लगने के कारण होता है। अगर आप थोड़े से भी कहीं धूप में बाहर गए और हेडेक होने लगता है, मेनली लेफ्ट साइडेड हेडेक होता है और हेडेक में ऐसा महसूस होता है कि हथौड़े जैसे मारने की सेंसेशन, बर्स्टिंग टाइप ऑफ सेंसेशन हो, लगता है कि सर फट सा जाएगा, तो वैसी लक्षणों में नेट्रोम्यूट मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे जैसे धूप की किरणें बढ़ती जाती हैं नेट्रोम्यूट का हेडेक बढ़ता जाता है। तो नेट्रोम्यूट दवा बहुत अच्छी है। अगर आपको समर कंप्लेंस या सन हीट के कारण हेडेक हो रहा है तो आप नेट्रोम्यूट 30 का यूज़ कर सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, वो है जेलिसीमियम। जेलिसीमियम भी एक टॉप ग्रेडेड मेडिसिन है समर हीट के कारण होने वाले हेडेक के लिए। यानी कि अगर समर हीट के कारण हेडेक होता है तो उसके लिए जेलिसीमियम बहुत अच्छी मेडिसिन। का हेडेक मेनली ऑक्सीपिटल हेडेक होता है, यानी कि हेडेक आपको गर्दन के पीछे से महसूस होगा और आपको महसूस होगा कि हेडेक गर्दन के पीछे से होते हुए सर के ऊपर तक आ रहा है और सर के ऊपर से होते हुए आके आपके फोरहेड और आईज में सेटल हो रहा है। जेलिसीमियम का हेडेक कुछ इस प्रकार से होता है। जेलिसीमियम का जब हेडेक होता है तो उसमें पेशेंट्स को हेडेक होती है, उनको जनरली डिम विजन देखने को मिलता है, यानी कि आंखों से थोड़ा धुंधला दिखाई सा दे। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप जेलिसीमियम 30 का यूज जरूर करें। इसके बाद हम नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं, वो है हमारी मेडिसिन ग्लोनोइन 30। ग्लोनोइन का भी जो हेडेक है वो भी मेनली समर हीट के कारण होता है। थोड़ा सा आप धूप में निकल गए, चल दिए हो, पैदल चल दिए हो, उसके कारण भी हेडेक काफी बढ़ सा जाता है, तो उसके लिए आप ग्लोनोइन का यूज कर सकते हैं। ग्लोनोइन के हेडेक में आपको सेंसेशन होगी कि पेशेंट महसूस करता है कि उसे थ्रॉबिंग सेंसेशन हो रही है, पल्सेटिंग सेंसेशन हो रही है, सर में कुछ धड़कता हुआ सा, पल्सेटिंग करता हुआ सा उसे फील होगा और ऐसा महसूस होता है कि सर हेडेक के कारण बिल्कुल फट सा जाएगा। तो इन सभी कंडीशंस के लिए आप ग्लोनोइन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गर्मी में तो आप इन सारे लक्षणों में ग्लोनोइन 30 होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो में बताए गए अगर लक्षण मिल रहे हैं तो दवा की दो दो बूंद यूज़ करें। और दोस्तों, अगर आपको लू लगने की समस्या हो जा रही है, अगर आपको बॉडी में हीट सी महसूस हो रही है, लग रहा है कि बॉडी में हीट वेव्स चल रही है, गर्मी की लहर दौड़ रही है, आँख वाँख बिल्कुल आपके सुस्त हो जा रहे हैं और आपको हेडेक बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो आप इन तीनों मेडिसिन को एक कॉम्बिनेशन बना के यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि एक बड़ी फाइल लाएंगे और इन तीनों मेडिसिन का को मिला देंगे और आप उसे दो दो बूंद दिन में 3 बार कंज्यूम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो हेडेक की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।